मैया कि पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलते तो मैं इन पहाड़ों को पूजने लग जाऊं, इससे अच्छा तो यह है कि मैं चाकी पीसूं और जग खाएगा। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद बना लेते हैं और फिर उस पर अजान देते हैं कि आओ, पुकारते हैं। अल्लाह कभी ऐसे नहीं सुनेगा भाई, ना कभी ऐसे भगवान मिलेंगे तुम्हें पत्थर पूजने से। भगवान मिलेंगे और अल्लाह मिलेंगे जब आपका हृदय निर्मल होगा, जिस दिन सरलता होगी, जिस दिन निंदा ईर्ष्या ये सब खत्म हो जाएगी, उस दिन भगवान मिलते हैं। हमने भी बहुत, मैं आपको बताता हूँ कभी, कि घर छोड़कर आ गया था और इस बाज़ार ने ऐसे खेल खिलाए हैं, सबको खिलाए हैं, कभी मुझे भी खिलाए थे और मैं आ गया इधर और यहाँ आके यही गंगा जी में इतना खड़ा होकर तपस्या करता, पूजा पाठ करता, लेकिन कभी कोई भगवान नहीं मिला भाई। खूब जंगलों में रहे हैं, कुछ नहीं मिलता ऐसे, लेकिन जब गुरु मिलता है और गुरु बताता है कि आपको ऐसा करना है और नियम बताता है कि नियम क्या है, उसके बाद में आपको भगवान मिलता है। तो अपने गुरु का सम्मान करना सीखो, गुरु की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो जिस चीज़ के लिए आप गुरु के पास आते वो कभी भी आपको मिलता नहीं है। यहाँ पर जब खड़े होते तो ऐसे ही विचार आते हैं मन में, और जो अल्टीमेट सत्य है वो यही है कि हमें मोक्ष प्राप्त करना है। रुपया पैसा अलग चीज़ है यार, ये कुछ भी नहीं है, ये तो चुटकियों में कमा सकता है। जिस दिन ज्ञान होता है सब मिलता है, रोज़ प्रॉफिट लेते हैं, आज भी प्रॉफिट है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में जो अपना फॉर्मूला है बहुत बढ़िया वर्क करता है। 50,000 रुपये लगा के काम कर रहे हैं मेरे बच्चे, रोज़ प्रॉफिट निकालते हैं। आज आपको मैं बताता हूँ, बैंक निफ्टी में प्रॉफिट लिया है, बैंक निफ्टी में कितना प्रॉफिट है मालूम है आपको? ज़्यादा तो नहीं आया आज, लेकिन ये है कि हाँ, रोज़ खर्चा पानी चल जाता है, 15-20,000 रुपये आ जाते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये दो बच्चे मेरे साथ हैं जिनका मैं सपोर्ट करता हूँ, ये मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं इनको कर देता हूँ, और इनका ये प्रॉफिट मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये लो, 3 ट्रेड लगाई है इन्होंने, कमाल कर रखा है यार। मतलब देखो, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे यहाँ आते आते ना आधा एक घंटा हो गया, देखते ही नहीं हम, रेट ही नहीं देखते हैं। जैसे फॉर्मूला वर्क करता है तुरंत काम कर देते हैं, छोड़ देते हैं, स्टॉप लॉस लगाया छोड़ दो, और स्टॉप लॉस खाता नहीं, अब हम क्या करें भाई, ऐसा फॉर्मूला है ये। देखो, 3 ट्रेड लगाना और तीनों ट्रेड में बढ़िया प्रॉफिट, छोटा मोटा भी नहीं, देखो मतलब छोटा है भी नहीं भी, आप बताओ कि छोटा है या बड़ा है। नहीं जी, एक में नुकसान है, गलत बोल दिया जी मैंने, माई मिस्टेक, एक में नुकसान हो गया भाई इनका, 3 ट्रेड लगाई, नुकसान चल रहा, लेकिन अभी ना तो स्टॉप लॉस गया है और ना अभी टारगेट आया है, आप लोगों को दिखा देता हूँ इसमें। ये देखो, ये देखिए 28,915 का प्रॉफिट चल रहा है। पहले इन्होंने, सबसे पहले सुबह क्या किया था, इन्होंने पुट बाय की थी, और पुट बाय जो की उसमें प्रॉफिट आया है 8,700 का। ये पैसे कितने लगाए थे इसमें इन्होंने, 44,000 रुपये लगा रखे हैं, ठीक है, 44,000 रुपये लगाए, 8,700 कुछ का प्रॉफिट आ गया। और फिर इसके बाद इन्होंने ये कॉल बाय की, यहाँ पर इनका प्रॉफिट आया 22,600 का, 34,700 की इन्होंने कॉल बाय की थी। और अब ये इनकी तीसरी ट्रेड है जो जिसमें 2,440 का नुकसान चल रहा है, 25 क्वांटिटी इन्होंने ली है और प्रॉफिट नेट में चल रहा है 28,700 कुछ का। ऐसा ही दूसरा है, दोनों मोबाइल में दिखा देता हूँ, दूसरे वाला भी दिखा देता हूँ, उसमें भी लगभग यही चल रहा है। देखो 28,000 का इसमें प्रॉफिट और 28 के लगभग इस वाले में प्रॉफिट, दोनों में लगभग सेम प्रॉफिट चल रहे हैं, एक छोटा सा नुकसान चल रहा है बैंक निफ्टी में जो इन्होंने पुट बाय कर ली।
कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है यार, छोटे मोटे नुकसान भी ले लेने चाहिए, लेकिन ओवरऑल ये है कि 50,000 रुपये लगा के रोज़ का 20-25-30,000 रुपये निकालना बहुत बड़ी बात होती है, और इससे बड़ा व्यापार मैं समझता हूँ इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। इससे बड़ा फॉर्मूला कहीं हो तो बता देना भाई, फीस उस दिन आधी की भी ख़त्म ही कर देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों यही मैं आप लोगों को बताना चाहता था। एक बात और है कि जब आप फ़ोन करते हैं तो फ़ोन करके यार ये मत पूछो कि फ़ीस कितनी है, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ यार। जब कोई चीज़ ख़रीदने जाते तो उसका पूरा देखते हैं वो कि कितने की है, सारा पढ़ते हैं उसके बारे में, वेबसाइट पर जाओ सब कुछ लिखा हुआ है, टेलीग्राम पर जाओ सब लिखा हुआ है, जोश में आके फ़ोन मिला देते हो डायरेक्ट, और रात को 2 बजे फ़ोन करते हो, या ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर रात को फ़ोन आएंगे तो। सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक फ़ोन करो, उसके बाद कोई फ़ोन कॉल नहीं आनी चाहिए। और क्या स्कीमें बिठाते हो तुम कि आधी फीस लेके आएंगे, जो प्रॉफिट आएगा उसमें से दे देंगे, ये स्कीमें मत बिठाओ। और पढ़ने आना है तो पढ़ने आओ, दिमाग में कोई दूसरी चीज़ें लेकर मत आओ। हाँ, एक माशे बोल रहा है कि चेन बेच के आ रहा हूँ मैं, कोई प्रॉपर्टी गिरवी रख के आ रहे हैं। भाई क्या खिलवाड़ कर रहे हो तुम अपने साथ में, इमोशंस के साथ बाजार नहीं चलता है, बाजार चलता है पढ़ने से, ज्ञान से। यार हमारे माँ बाप हमें बीटेक कराया उन्होंने, तो उन्होंने भी तो बैंक से लोन लिया है, और मैं इतना नालायक निकला, मैं बीटेक धक्के मार के मैंने करी है। अब मेरे माँ बाप क्या कहें, उन कॉलेज वालों के बोले कि जी हम तो अपना बैंक से लोन लिया है, मैंने तो अपनी FD तुड़वा ली, मैंने तो वो फंड में से निकलवा लिए पैसे, वो भर रहा हूँ मैं, और मेरे बच्चे को अच्छा पढ़ा दो। वो तो अच्छा पढ़ाते, हम कहाँ पढ़ते, मैं कहाँ पढ़ा, मैं ऐसे ही लफंडरों की तरह घूमता रहा, कॉरिडोर में घूमता था, क्लास में कहीं बैठना ही नहीं, आवारागर्दी करा लो जितनी मर्जी, कुछ नहीं कर पाया मैं बीटेक में ना, बीटेक करके, और कहीं नौकरी नहीं मिली। जिस चीज़ को आप पढ़ते हो अगर उसमें ध्यान नहीं लगाओगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। इस बाज़ार में चाहे आप चेन गिरवी रख के आओ या घर गिरवी रख के आओ, कुछ भी गिरवी रख के आओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब यहाँ पर आके अगर आप पढ़ने में ध्यान नहीं लगाओगे तो वो जो गिरवी रखी हुई चीज़ कभी वापस नहीं आने वाली। तो बेटर ये है कि ये इमोशनल गेम ना खेल के पढ़ाई पर ध्यान दो, और जो सिखाया है उस पर ध्यान दो, मन लगा के प्रैक्टिस करो। 15-20 दिन ही प्रैक्टिस करनी है, और अब तो मैं 15 दिन का आप लोगों को सपोर्ट भी दे रहा हूँ, उसमें हो सकता है आपकी फ़ीस भी निकल जाए, ये भी हो सकता है कि आपका जब क्लास में हो तब भी आपकी फ़ीस निकल जाए। कुछ लोग ही अभी पीछे आप वीडियो चेक करो, एक दिन में 1.5 लाख रुपये कमाया, फ़ीस निकल गई, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस धारणा के साथ मत आना कि मैं आऊँगा पैसे लेकर आऊँगा साथ में, ट्रेड मारूँगा, फ़ीस कवर करके निकल जाऊँगा। सीखने के लिए आ जाओ, सारी ज़िंदगी पड़ी है कमाने के लिए। रोज़ का 15-20 हज़ार रुपये अगर कमाते हैं ना, छोटा अमाउंट नहीं होता, और 50,000 रुपये लगाने इससे ज़्यादा भी नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी नहाने के लिए जा रहा हूँ यार, मेरी ना एक इच्छा है वैसे, यहाँ पर मैं एक क्लास करना चाहता हूँ गंगा किनारे, क्या बोलते हो आप लोग, दुबई जाने से पहले कर दूँ? नहीं यार अब टाइम नहीं लगेगा, अब तो बहुत हो गया, काफ़ी क्लासेस दे ली, छोटा सा बैच हुआ ना 20-25 लोगों का, तो फिर सोच लूँगा इधर गंगा किनारे पढ़ाऊँगा आप लोगों को। और एक ऐसी जगह है अपनी नज़र में कि वहाँ से गंगा जी साफ दिखाई देती है, और नज़ारा बहुत अल्टीमेट है। वो वीडियो डालूँ क्या, कमेंट करो, वो वीडियो डालूँगा, उसको देख कर बताना कि यहाँ पढ़ना है कि नहीं। 20 की जगह 200 लोग आओगे इधर, ऐसी जगह ही देखेंगे, सोचेंगे, बताएंगे। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप यहाँ गंगा किनारे पढ़ना चाहते हो कि नहीं पढ़ना चाहते। जय हिंद, गंगे मैया की जय हो, और गुरु का सम्मान करना सीख लो, तभी वो शिक्षा उसका फल प्राप्त होगा। वैंगण नॉनसेंस, हर हर गंगे।
इनको बुद्धि दो भाई, माँ भवानी गंगे माँ इनको बुद्धि दे दो। क्या कह रहे हो? ठीक है, हाँ ले आएंगे। आवाज़ आ रही है कि इनको लेके आओ, पहले यहाँ डुबकी लगवाओ, पहले इनके पाप धुलेंगे, पाप धुलने के बाद में तब इनका कुछ भला होगा तुम्हारा, उसके बाद पढ़ाऊँगा, पहले यहाँ डुबकी लगवाऊँगा। अपने पापों का क्षय करो, उसके बाद में पढ़ो। हर हर गंगे।